वन वेलकम बैक मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ विलियम शेक्सपियर का प्ले ट्वेल्थ नाइट डिस्कस करूंगी जिसका सब टाइटल है वट यू विल और इस सब टाइटल की वजह भी हम इसी वीडियो के अंदर समझेंगे लेकिन प्ले की स्टोरी के बाद में यानी वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए ताकि हम टाइटल को भी अच्छे से समझ पाए तो सबसे पहले प्ले का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्ले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने इन्होंने टोटल थर्टी सेवन प्लेज लिखे हैं कई जगह यह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि थर्टी एट प्लेज इन्होंने लिखे हैं लेकिन मेजॉरिटी थर्टी सेवन प्लेज जो हैं वही देखे और सुने जाते हैं तो आई थिंक करेक्ट आंसर थर्टी सेवन प्लेज ही रहेगा ये एक रोमांटिक कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट जो है एक रोमांटिक कॉमेडी है रोमांटिक कॉमेडी का मतलब होता हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग विद मैरिज बेल्स के okay, यानी आपको प्ले में लास्ट में शादी जो है वो होते हुए दिखेगी तो ये हुई हमारी रोमांटिक कॉमेडी और इसके अंदर भी क्योंकि ये रोमांटिक कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है फाइव एक्ट्स में डिवाइडेड है ये स्टोरी ये लगभग 1601 में लिखी गई थी ध्यान रहे लिखी गई थी सिक्सटीन में लगभग ओके फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पब्लिक परफॉर्मेंस जो इसकी हुई थी वो हुई थी सेकेंड फेबर सिक्सटीन में बट पब्लिश हुआ ये 1623 में वो भी शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इसीलिए ये आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट तैयार किया है ओरिजिनल सोर्स जो है वो इसका है अपोलियस एंड सीला और भी हैं इसके सोर्सेज बट ओरिजिनल सोर्सेज के अंदर मेन जो है इसी का ही नाम आता है तो ये है हमारे प्ले का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें लगभग एक आध क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है चलिए अब हम हमारे प्ले का सबसे पहले थीम जानेंगे देन लैंग्वेज डिस्कस करेंगे थीम से ना आपको स्टोरी का असेंस पता लग जाता है थीम रहेगा लव यहां लव ट्रायंगल है यानी तीन करेक्टर हैं जो इंटर रिलेटेड हैं लव में डिसेप्शन एंड डिस्गाइज भी यहाँ थीम रहता है क्योंकि जो मेन हीरोइन है हमारे प्ले की वो डिस्गाइज करती हैं एक लड़का बन जाती है अपियरेंस वर्सेस रियलिटी जैसा दिखाई देता है और सच में जैसा होता है वाइस वर्सा चलता है ये थीम रहता है इसका लैंग्वेज क्या है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में ये लिखा हुआ है यानी सिंपल है इजी टू अंडरस्टैंड आई एम बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है यहाँ पे यूज ऑफ प्रोज भी है वो कैसे जब करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं तो प्रोज भी यूज़ हुआ है लिटरेरी डिवाइसेस अब शेक्सपियर है उन्होंने लिखा है लिटरे डिवाइसेस तो ऑब्वियसली है ही और रिच है खूब है बहुत सारी है जैसे एलिट्रेशन है मेटाफर है सिमली है इन्होंने यूज़ किया है चलिए अब हम करेक्टर्स से रूबरू हो लेते हैं एक बार करैक्टर्स को समझ लेते हैं जान लेते हैं क्योंकि जब प्ले ना एक मूवी होता है और जब हम किसी मूवी को देख रहे होते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हीरो हीरोइन कौन है क्योंकि हम लोग क्या है हीरो और हीरोइन को देखकर कई बार क्या होता है कि हमारी मूवी जो है वो फिक्स करते हैं देखने के लिए या चूज़ करते हैं आप कह सकते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे प्ले हमारे स्टोरी की करेक्टर्स को जानेंगे अब स्टोरी के करेक्टर्स में सबसे पहले हमारे स्टोरी की हीरोइन आप कह सकते हैं मेन हीरोइन है वोयला इन्हें वोला भी बोला जाता है वोयला भी बोला जाता है आप बोल सकते हैं लेकिन इसे आप ये नहीं कह सकते गलत प्रनन्शिएट किया गया है ठीक है तो आप इसे समझेंगे हमारी प्ले की मेन हीरोइन जो डिस्गाइज होती हैं यानी जब वो लड़का बनती हैं तो अपना नाम रख लेती हैं सिजेरियो ओके सेम है जहां सीजेरियो का जिक्र होगा ना आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि वो कौन है वोला ही है ओके अब आती है इनकी बारी ये है ड्यूक और ड्यूक और यानी राजा हैं जिस नगर में कहानी चल रही है ना जिस नगर में कहानी चलेगी उस नगर के इलीरिया नगर है वो आगे स्टोरी बताऊंगी जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी ये चीज़ वहां के ड्यूक है और बहुत ही नॉबल नेचर के हैं बहुत ही अच्छे करैक्टर हैं ये है जी यहाँ पे ओलिविया अब ओलिविया जो है वो एक समृद्ध परिवार की लड़की है काफ़ी रईस है ये इसके पास नौकर है चाकर है लेकिन एक दुख है इसको जो हम कहानी में आपके साथ डिस्कस करेंगे ठीक है इसके बाद एक और मेन करेक्टर है इनका नाम है सेबेस्टियन अब आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हुए होंगे करेक्टर को देख के कि ये और ये सेम सेम से दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ट्विंस हैं ये दोनों बहन भाई हैं इनका एक साथ जन्म हुआ है एक जैसी शक्ल है यानी आइडेंटिकल ट्विंस आप कह सकते हैं दोनों एक जैसे दिखते हैं अब ऐसा मैंने यहाँ पे इसलिए बताया आपको क्योंकि जब ये सीजैरियो बनेगी ना हमारी हीरोइन तो बिल्कुल सेबेस्टियन के जैसी दिखाई देगी और यही तो है कहानी का ट्विस्ट कहानी के अंदर यही चीज़ कंफ्यूज करेगी करेक्टर्स को लेकिन आपको कर... बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है चलिए जो और जो हमारे करेक्टर हैं उनको और समझ लेते हैं सबसे पहले इनका लव ट्रायंगल डिस्कस कर ले, देखिए वोला आर्सिनो से प्यार करने लगती है ठीक है कैसे करने लगती है ये तो कहानी में बताऊँगी मैं आपको लेकिन एक पर लव ट्रायंगल बता देती हूँ ऑलरेडी ओलिविया से प्यार करता है अब ओलिविया सिजेरियो से प्यार करती है यानी जो वॉयला जब लड़का बन जाती है सिजेरियो बन जाती है तो ओलिविया इसके प्यार में पड़ जाती है तो ये बन गया ना लव ट्रायंगल, यानी ये जो हीरोइन है इससे प्यार करती है और ये जो है इससे और ये घूम कर वापस आ गई इसके पास ही तो बन गया लव ट्रायंगल अब सेबेस्टियन जो है वो लास्ट में इंक्लूड होगा इसी मंडली में चलिए आगे चलते हैं हम हमारे जो बाकी के करेक्टर्स हैं उनको और समझ लेते हैं ये है एंटोनियो एंटोनियो जो है ये एक शिप के आ, कैप्टन है शिप के कैप्टन है और ये सेबेस्टियन के फ्रेंड रहे हैं सेबेस्टियन को इन्होंने बचाया था ये है मेलवोलियो मेलवोलियो मैनेजर हैं ओलिविया के घर पे ओलिविया का जो स्टाफ है उसको मैनेज करते हैं ये काम को देखते हैं ये सर टॉबी हैं सर टॉबी ओलिविया के अंकल हैं ओके ये है मारिया मारिया ओलिविया की जेंटल वूमेन है ज़्यादा जो करेक्टर है ना वो ओलिविया से रिलेटेड है क्योंकि यही लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे इसके बाद में ये हैं सर एंट्रियो अब इनका क्या रोल है ये सर टॉबी के फ्रेंड हैं इन्हें सर टॉबी लेकर आए हैं इसका वैसे कुछ खास रोल नहीं है कहानी के अंदर लेकिन मेन रोल ये है कि सर टॉबी इन्हें लेकर आए हैं अपनी भतीजी ओलिविया के लिए कि ओलिविया को आप इम्प्रेस कर लो और उससे आपकी शादी करवा देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे एक क्लाउन भी है जेस्टर जिसे आप कह सकते हैं फेस्ट नाम है इसका ये ओलिविया के सर्वेंट है अम्यूजमेंट का काम करते हैं हंसने हंसाने का तो ये मेन माइनर करेक्टर्स हैं कुछ एक दो और बच गए हैं उनका कुछ ऐसा खास रोल नहीं था तो इसलिए आपसे मैंने उनका परिचय नहीं करवाया अब हम बढ़ेंगे हमारी कहानी की तरफ तो आप हमारे जो करेक्टर्स थे उनसे मिल लिए हैं एक बार फिर से देख लीजिए जो हमारे करेक्टर्स हैं उनके अंदर मेन हीरोइन हमारे वॉला है और सीनो ड्यूक हैं ओलिविया हैं और सेबेस्ट्रियन हैं चलते हैं आगे कहानी को जान लेते हैं देखिए सबसे पहले ना जब फर्स्ट सीन जो आएगा कहानी जहाँ से शुरू होगी वो शुरू होगी और सीनो के महल से ये जो ड्यूक है जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक राजा है और कहाँ के राजा हैं ये राजा हैं इलीरिया के ओके okay? यहाँ क्या हो रहा है औरसिनो बैठे हुए हैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे हैं तो ऑर्सिनो बोलते हैं कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट यानी ड्यूक औरसिनो जो हैं वो सोच रहे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में बहुत प्यार करते हैं इससे इसका नाम क्या है ओलिविया ओलिविया के बारे में सोच रहे हैं और म्यूज़िक को इन्जॉय कर रहे हैं ओके okay? इतनी ही देर में क्या होता है वैलेंटाइन आ जाता है वैलेंटाइन मैसेंजर है औरसिनो का औरसिनो का मैसेज लेकर आता है यानी औरसिनो जो है वो ओलिविया के पास भेजता है वैलेंटाइन को और यहाँ पे वो मैसेज लेकर आए हैं किसका? ओलिविया का औरसिनो के लिए और आकर पता है क्या कहते हैं वो आकर के कहते हैं कि ड्यूक ओलिविया तो आपसे प्यार नहीं कर सकती वो आपके साथ संपर्क में नहीं रह सकती क्योंकि ओलिविया के ब्रदर की डेथ हो गई है इसका जो भाई है ना उसकी हो गई है डेथ अब उसकी डेथ से इतनी दुखी है कि इसने डिसाइड कर लिया कि ये लगभग सात सालों तक सेवन ईयर्स तक अपने आप को पर्दे में रखेगी किसी भी इंसान को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी किसी से नहीं मिलेगी सात साल तक इसने ऐसा प्रण किया है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी मदर जो है वो जब मरी थी जब उसकी डेथ हुई थी तो इसके छोटे भाई को इसी के सहारे छोड़कर एक्सपायर हुई थी और बोला था कि उसका ध्यान रखना तो इसका बहुत अटैचमेंट था अपने भाई से ठीक है उसके बाद क्या होता है ये कहानी जो है हमारे जो ड्यूक की है आप एक बार के लिए यहीं पर छोड़ दो यानी आप ड्यूक से मिल लिए ओलिविया से मिल लिए अब मिलते हैं हम हमारी जो स्टोरी है उसकी मेन हीरोइन से ये है वोला और ये है सेबेस्टियन दोनों ट्विंस हैं मैंने बताया दोनों एक दूसरे से एकदम मेल खाते हुए एक दूसरे के जैसे हैं बिल्कुल सेम इनकी कहानी क्या होती है देखिए ये दोनों बहन भाई निकलते हैं समुद्री यात्रा पे और जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को लेकिन अचानक आ जाता है समुद्र में तूफान तहस नहस हो जाती है पूरी की पूरी जहाज़ एकदम इधर उधर देखिए कैसे बिखर जाते हैं सारे के सारे उसमें जो बैठे होते हैं सब के सब इधर उधर बह जाते हैं इतने में जो हमारी जो हीरोइन है वायला इसको एक बॉट मिल जाती है जिस पर ये लटक जाती है यानी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बचने के लिए इस बॉट पर लटक जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं इसकी जान बच जाती है और ये जाती है कैप्टन के पास जो उस पूरे बड़े जहाज़ को चला रहा था उस टाइम कैप्टन के पास जाती है और कैप्टन से जाकर पूछती है कि क्या आपने मेरे भाई को देखा सेबिस्टियन को आपने मेरे भाई को देखा तो कैप्टन क्या कहता है हाँ मैंने देखा तो था मैंने आपके भाई को देखा था और आपका भाई बिल्कुल एरियन की तरह लग रहा था एरियन पता है क्या और कौन है एरियन ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत ही बहादुर ब्लैक हॉर्स है और वो बहुत इतना बहादुर है कि बहुत बड़े बड़े तूफानों से भी आगे निकल जाता है यानी पूरे सारे तूफानों को चीर कर भी आगे निकल जाता है तो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था और वो तुम्हारा ही भाई था ऐसा लग रहा था जैसे एरियन एक डॉल्फिन की बैक पर सवार होकर लहरों में सेफली तैर रहा हो यानी यहां अब उसे यकीन हो जाता है कि मेरा भाई जो है वो सेफ है यानी वो बच गया अब आगे क्या होता है आगे अब वो पूछती है कौन हमारी हीरोइन व्योला कि कैप्टन अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ मैं इस समय कहाँ पर हूँ यानी मैं कौन सी जगह पर आ गई हूँ क्योंकि वो जो पूरा जहाज़ था वो तो फूट गया टूट गया सब इधर उधर बिखर गए तो वो कहते हैं कि तुम आ गई हो इलीरिया में और इलीरिया के ड्यूक जो हैं वो कौन हैं और सीनों हैं और सीनों के बारे में कहते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो ये बहुत ही नोबल नेचर के हैं बहुत ही बहादुर हैं अच्छे स्वभाव के हैं तुम चाहो तो उनके दरबार में जा सकती हो उनसे हेल्प मांग सकती हो लेकिन ये बताने से पहले वो स्टोरी बताते हैं इनसे रिलेटेड कि कहते हैं कि अनमेरिड हैं अभी तक तो मैंने ऐसा सुना था लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि इनका इसके साथ यानी ओलिविया के साथ में लव अफेयर चल रहा है वो ओलिविया को पसंद करते हैं ओलिविया से शादी करना चाहते हैं लेकिन ओलिविया नहीं करना चाहती क्योंकि अभी अभी ओलिविया के भाई की डेथ हुई है और उसने एक तरह से शपथ ली है या ये सोच लिया है कि सात सालों तक वो कभी भी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी सात साल तक तो इसलिए तुम जाकर और इससे तो नहीं मिल पाओगे क्योंकि सात साल तक ये किसी से भी नहीं मिलेगी तो इससे तो तुम नहीं मिल पाओगे तुम एक काम करो जाओ और और सीनों के पास में जाकर मदद मांग सकती हो तो वो कहती है कि किस तरीके से मैं जाऊं मुझे क्या करना चाहिए तो यहाँ पे ना कैप्टन की एक स्पीच आती है कैप्टन जो है ना वो बोलता है इसको इसे कहता है कि बी यू हिज यूनक एंड योर म्यूट आई विल बी वेन माई टंग ब्लैब्स देन लेट माइन आईज नॉट सी तुम एक यूनक बन के चले जाओ एक तरह से आप समझ लो कि सेवादार बन के चले जाओ तुम उसकी सेवा कर सकती हो तो अब यहाँ पर स्टोरी में चेंज आ रहा है और वो क्या आ रहा है चेंज कि जब उसने भाई की बात बताई कि बताया कि वो अपने भाई को याद कर है तो इसके भी ख्यालों में अपना भाई आ जाता है और ये क्या सोच लेती है ये सोच लेती है ठीक है मैं जाती हूँ और अब मैं उसके पास जाऊँगी क्या लड़का बन के अब यहाँ हमारी जो व्या है वो बन जाती है सिजैरियो और ये जा रही है कहाँ पर और सीनों के दरबार में और सीनों से हेल्प लेने के लिए वहाँ काम करने के लिए यहाँ वो सीजेरियो बन गई अब सीजैरियो बन के सेम सेबेस्टियन के जैसी लग रही है ठीक है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ये सीजेरियो है जहाँ सीजैरियो आ जाए वहाँ समझ लेना कि कौन है वोला है चलिए देखिए ये आपको बता भी दिया बताने के लिए डाला है कि सेम सेबेस्टियन के जैसी दिखाई दे रही है हु दिख रही है ना ठीक है चलिए अब दूसरी तरफ कहानी ओलिविया के घर के बाहर चल रही है यानी हमने क्या पढ़ा हमने ओलिविया को जान लिया हमने यहाँ पे जो हमारे ड्यूक हैं और सीनो उनको जान लिया वॉयला को जान लिया अब जो कहानी है वो ओलिविया के घर शुरू हुई ओलिविया के घर के बाहर जो है वहाँ पे एक तो सर टॉबी यानी ओलिविया के अंकल यहाँ पर हैं दूसरी मारिया है जो कि ओलिविया की मेड है और ये अंकल के फ्रेंड हैं ओके तो ये तीन लोग हैं यहाँ पे अब यहाँ आपस में बात क्या चल रही है कि ये जो है ना मारिया ये इनको बोल रही है अंकल को कि आप सर एंड्रयू को क्यों लेकर आए हैं भाई सर एंड्रयू की क्या ज़रूरत है ये भी शराबी है शराब बहुत पीता है और ये भी शराबी है ये भी बहुत शराब पीता है तो दोनों एक दूसरे के कंपेनियन हैं अब यहाँ मारिया पूछ लेती है कि आप एंड्रयू को क्यों लाए हो ओलिविया के लिए भाई ये तो इतना शराबी है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा इसके अंदर तो अंकल सर टॉबी क्या कहते हैं कहते हैं कि ही हैथ ही डिड ऑलमोस्ट नेचुरल फॉर बिसाइड्स दैट ही इज़ अ फूल ही इज़ अ ग्रेट क्वारलर मतलब मैं जानता हूँ सब कुछ जो भी तुम कह रही हो कि हाँ है उसके अंदर लेकिन फिर भी वो क्या है ये दोनों के दोनों शराब के शौकीन हैं तो इनकी इनके साथ बनती है ये सोच रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में अपनी भतीजी की शादी करा दूँ और हमेशा के लिए इससे दोस्ती रख लूं तो ये इनके आपस में बातचीत चल रही है अब उधर क्या होता है ड्यूक औरसिनो के पैलेस में उधर जो वियोला लड़का बनकर आई है सीजेरियो बनकर आई है वो यहाँ औरसिनो से के साथ रहने लगी है लगभग तीन चार दिन हो गए रहते हुए औरसिनो जो है अब इस पर फेत करने लग गए हैं यानी ऑर्सिनो को अब इस पर हो गया विश्वास अब औरसिनो अपनी लव स्टोरी जो है वो सीजेरियो को बताते हैं एक 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 जो बात है धीरे धीरे बताने लगते हैं और पता है ये औरसिनो जो है ना ये इतना फेत करने लगे कि सिजेरियो से कहते हैं ओ देन अनफोल्ड द पैशन ऑफ माई लव सरप्राइज हर विद डिस्कॉर्स ऑफ माई डियर फेथ यानी तुम जाकर ओलिविया से मेरी बात करो मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उसे मना लोगे सिजेरियो पर इतना विश्वास करने लग गया था और सिनो कि जाओ तुम उससे बात करो अब सिजेरियो कंफ्यूज हो जाती है अब सिजेरियो वैसे तो लड़का है लेकिन हमारी तो वियोला है ना तो हम इसे लड़की की तरह ट्रीट कर रहे हैं अब ये यहाँ पे ना कन्फ्यूज़ है ये कहती है एक बार तो बोल देती कि आई थिंक नोट सो माई लॉर्ड कि मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती बट ड्यू कोर्सिनो पता है क्या कहते हैं कहते हैं विश्वास करो तुम ऐसा कर सकती हो कर सकती हो तुम मुझे भरोसा तुम कर सकती हो तो फिर वियोला बोलती है आई विल डू माई बेस्ट हाँ टू वू योर लेडी यानी मैं तुम्हारी लेडी को मनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी यानी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूँगी अब अपन चलते हैं कहाँ पे ओलिविया के घर ठीक है अब ये सब बातें करते करते ना जब इनकी आपस में बातें होती है अब ये तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बता रहा है लेकिन ये कह सोचती है कि इतना डीप लव है मतलब देखो और सीनो जो है ओलिविया से इतना प्यार करता है इतनी अच्छी फीलिंग्स उसकी देख के कहीं ना कहीं सजैरियो जो है वो इसके प्यार में पड़ जाती है यानी इसको पसंद करने लगती है ठीक है अब हम ओलिविया के घर चलेंगे अब ओलिविया के घर पे बात चल रही है इन लोगों के बीच में मेलबोलियो जो है वो और ओलिविया दोनों के दोनों जैसे टहल रहे हैं बाहर तो ये बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है जो मेलवोलियो है ना वो कहता है ओलिविया से कि तुम इस क्लाउन को निकाल दो वो जो क्लाउन था ना एक उसकी बात कर रहा है कि वो काफ़ी दिनों से काम पे नहीं आ रहा था तो मेलवोलियो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें नहीं रखना चाहिए इसे घर में निकाल दो इसे तो ओलिविया इस बात को इम्पॉर्टेंस नहीं देती ओलिविया को क्योंकि वो जो जेस्टर है वो अपनी बातों से क्लाउन कह दो आप जेस्टर कह दो वो अपनी बातों से ना खुश करके रखता है तो वो कहती है कि मेलबोलियो तुम इतना मत सोचा करो तुम बहुत ज़्यादा ना अपने बारे में सोचती हो और बोलती भी है ओ oh, यू इसको बोलती है मेलवोलियो को कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव सिक ऑफ सेल्फ लव कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा किसने किसको कहा तो ओलिविया ने मेलवोलियो को कही थी ये बात कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मेलवोलियो अब ये चीजें जो हैं ये किस लिए डिस्कस किया ताकि करेक्टर पता लग जाए आपको कि मेलवोलियो किस टाइप का है मेलवोलियो बहुत ज्यादा टोका टाकी करने वाला मैनेजर था मतलब रोक टोक बहुत ज्यादा करता था ये बात होती है इनके आपस में फिर यहाँ पर ना मारिया आ जाती है मारिया आकर अब ओलिविया को कहती है कि मैम एक यंग मैन आया है आपसे मिलने के लिए और अब वो यंग मैन पता है कौन है वो है सिजैरियो ये ही आई यानी हमारी हीरोइन व्य आप कह सकते हैं सीजेरियो आई ये बातचीत करने के लिए आई है किससे ओलिविया से अब ओलिविया से कहती है कि ओरसिनो तुमसे इतना प्यार करता है ओरसिनो को तुम मतलब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती बहुत लव करता है तुमसे अब यहाँ पर ओलिविया कहती है कि मैं ओरसिनो से प्यार नहीं कर सकती हाँ कि इस चीज़ के लिए एक स्पीच भी आती है जो बहुत मतलब वेल नोन स्पीच है इसके अंदर कि वो बोलती है इसको ओलिविया जो है सीजेरियो से कहती है कि योर लॉर्ड डज नॉट नो माई माइंड आई कैन नॉट लव हिम येट आई सपोज हिम वर्चुअस नो हिम नॉवल बट आई कैन नॉट लव मतलब जानती हूँ बहुत नॉवल है बहुत अच्छा है बट मैंने भी तो वो प्रतिज्ञा ले रखी है कि सेवन इयर्स तक मैंने किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना तो मैं ये नहीं कर सकती जबकि पता है आपको एक आयरनी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे मतलब ऐसा कहने वाली ये ही ओलिविया सिजैरियो के प्यार में पड़ जाती है जब सिजारियों बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है ना बहुत प्यार से समझाती है उसे ओलिविया को तो उससे मतलब एक तरह से उससे प्यार हो जाता है अब क्या होता है आगे इसको बिल्कुल एकदम से रिजेक्ट ही कर देती है मना ही कर देती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती और ऐसा बातें जब इनकी चलती रहती है आपस में तो इनकी बातों से पता लगता है और एक एक ऐसा इंसिडेंट भी होता है जिससे पता लगता है कि ओलिविया जो है वो सिजेरियो को पसंद करने लगती है ओलिविया सिजेरियो जब समझा के यहाँ से जाने लगती है तो ओलिविया जो है वो मेलवोलियो को भेजती है कि ये रिंग लेकर जाओ और जाकर इस लड़के को जो अभी अभी आया था उसको दे आओ ये अभी छोड़ गया है अपनी रिंग जबकि सिजेरियो की एक स्पीच आती है कि उसने कोई रिंग नहीं छोड़ी थी लेकिन कहीं कही ना कहीं मुझे लगता है ओलिविया जो है वो इससे अटैच फील कर रही थी इसीलिए रिंग भेजी थी लेकिन रिंग का ऐसा जिक्र आया बाद में स्पीच के अंदर आया है कि इसने कोई रिंग नहीं छोड़ी थी थीरियो ने कोई रिंग नहीं छोड़ी थी बल्कि ओलिविया ने खुद ही उसको पीछा करने के लिए भेजा था अब क्या होता है अब दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है सेबेस्टियन की सेबेस्टियन है यहाँ पे ब्रदर किसका वियोला का ट्विन ब्रदर है कैप्टन एंटोनियो ये एक शिप के ऊपर ही मतलब कैप्टन है अब इन्होंने सेबेस्टियन की लाइफ जो है वो सेव की थी लाइफ बचाई थी

मेरी बहन है जो खो गई है पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं एक समुद्र का तूफान आया था हम मैसालिन के रहने वाले हैं यहाँ जिक्र आएगा कि मैसालिन के रहने वाले हैं हम भाई बहन लेकिन मेरी बहन जो है उसका मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है अब यहाँ हमें सिर्फ यहाँ से यह, यह पता चलता है कि एंटोनियो ही वो आदमी है जिसको जिसने सेबेस्टियन को बचाया था ठीक है आगे चलते हैं अब आगे क्या होता है ये मेलवोलियो मारिया और सर टॉबी जो है ये बात करते हैं आपस आप में ये इनकी क्या बातचीत होती है कि ये जो है मेलवोलियो आकर फिर सर टोवी को बोलता है कि आप इस तरीके की हरकतें मत किया करो आप इतनी ड्रिंकिंग मत किया करो क्योंकि ये तो मैनेजर है ना ये मैनेजर है ये आकर सर टोपी को समझाता है कि आप इस तरह मत किया करो आप अपनी भतीजी के घर पे रहते हो अगर उसे पता लगेगा तो कहीं आपको घर से ना निकाल दे सर टॉबी जो है इस बात पे नाराज हो जाता है मोलवोलियो जो है मेलवोलियो मारिया को भी बहुत ज्यादा टोका टोकी करता है अब भाई टोका टोकी करने वाला इंसान किसको पसंद होता है किसी को भी नहीं अब मारिया और सर टॉबी इन दोनों की आपस में अच्छी बनती थी और प्ले में ऐसा देखने को भी मिलता है एक स्पीच आती है जिसमें पता लगता है कि ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं यानी यहाँ पे हमें एक मेलबोलियो की स्पीच भी है ना देखने को मिलेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे देखिए ये टोका टोकी कर रहा है इस वजह से इन दोनों की आंखों में खटकने लगता है इधर मारिया के भी और इधर सर टॉबी के भी ठीक है अब यहाँ पे फिर वापस हम चलते हैं और सीनो के महल में वहाँ क्या कहानी चल रही है वहाँ सिजेरियो को और सीनो जो है फिर से कहता है कि तुम जाओ उससे मिल के आओ उससे पहले सीज़ेरियो बताता है कि भाई वो तुमसे प्यार नहीं करती तुम छोड़ दो ना उसके बारे में सोचना मत करो ओलिविया के बारे में इतना मत सोचो सीज़ेरियो जो है बहुत समझाने की कोशिश करती है बहुत ज़्यादा समझाती है यहाँ पर मतलब ये तक कह देती है ये तक बोलती है कि माई फादर हैड ए डोटर लव्ड ए मैन एज़ इट माइट बी पर वर आई ए वुमन आई शुड यूर लॉर्डशिप कि इतने प्यारे हो तुम अगर मैं औरत होती ना तो मैं तुमसे प्यार करने लगती तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो जब वो तुम्हें घासी नहीं डाल रही है वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती है वो चाहती ही नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी तो बहुत सारी अपने स्पीचेस से ये चीज क्लियर करती रहती है ये कि ये इससे प्यार करने लगी है और सीनों से लेकिन और सीनों नहीं समझता क्योंकि ये लड़के के भेज में है ना यहाँ पे कि तो लड़का बनी हुई है बॉय है तो इसलिए ये तो इसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा है अब वो करता है रिक्वेस्ट तो सीजेरियो क्या करता है मतलब करती है वेला ये वापस ओलिविया के पास जाती है अब ओलिविया को फिर से आके समझाती है यहाँ पे यहाँ पे आके मतलब फिर से उसको बोलती है कि तुम कर लो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये पूरी तरह से बहुत कोशिश कर रही है कि ये लोग जो है दोनों एक हो जाए खूब समझाने की कोशिश कर रही है और सीनो जब इसको वापस से भेजता है ना जब मिलता है तो ओलिविया की बातों से अब यहाँ पे पता चलता है हमें कि वो सिजेरियो से अटैच हो जाती है मतलब उससे प्यार करने लगती है अब यहाँ पे सर टॉबी आते हैं मतलब ये जो कहानी है ये उनके आपस में बातचीत चल रही है लेकिन इसी दौरान सर टॉबी जो हैं वो आते हैं और सीन के अंदर दिखाई देते हैं वो आकर और यहाँ पे जो एंड्रयू है इनका जो दोस्त है उसे कहते हैं कि भाई तेरे और ओलिविया के बीच में ना ये सीजैरियो आ रहा है नहीं तो तुम दोनों की तो आपस में शादी हो जाती ये सीजैरियो जो है ना ये ओलिविया को अपनी तरफ कर रहा है तो अब जब इसको भड़काता है सर टोबी सर एंड्रयू को तो इसे तो सीजेरियो बुरा लगेगा ही कि सीजेरियो ओलिविया और इसके बीच में आ रहा है तो ये दोनों कहीं ना कहीं करने लग जाते हैं झगड़ा सीजेरियो को भी भड़का देता है सीजेरियो को भी सर टोबी भड़काता है कि सर एंड्रयू जो है बहुत खतरनाक है बहुत मतलब आपस में भड़काने का काम करते हैं अब इन दोनों का हो जाता है झगड़ा इन दोनों का काफ़ी तेज झगड़ा होने लग जाता है लड़ने लग जाता है आपस में लेकिन ये तो लड़की है ना वैसे चाहे लड़का बनी हुई है लेकिन लड़की ही है अब यहाँ क्या होता है यहाँ पे कैप्टन एंटोनियो आ जाते हैं कैप्टन एंटोनियो आकर बीच बचाव करते हैं इसको समझ लेते हैं सेबेस्टियन सेबेस्टियन के जैसा ही तो दिखाई दे रहा है अब सेबेस्टियन के जैसा दिखाई दे रहा है तो सेबेस्टियन समझ के ये इसकी हेल्प करो क्योंकि दोस्त है इसका इसकी शक्ल का सेम तो ये करता है इसकी हेल्प अब हेल्प करने के चक्कर में क्या होता है कैप्टन एंटोनियो और सर एंड्रयू का झगड़ा हो जाता है झगड़ा इतना हो जाता है कि पुलिस आ जाती है पुलिस जब आती है तो पुलिस जो है वो कैप्टन एंटोनियो को पकड़ कर ले जा रही है कै, कैप्टन एंटोनियो को पकड़ के ले जा रही है तो इसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और ये मुझे बचा क्यों नहीं रहा क्योंकि ये तो इसको सेबेस्टियन समझ रहा है मेरे को बचा क्यों नहीं रहा ये अब यहाँ पे ये इससे गुस्सा हो जाता है नाराज हो जाता है क्योंकि ये तो इसको अपना दोस्त समझ रहा है हो गई ना यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्योंकि शक्ल की वजह से कन्फ्यूज़न हो गई एक जैसे दिखाई दे रहे हैं चलिए जी यहाँ पर ये जो चैप्टर है इस तरीके से ख़त्म होता है कि ये जो कैप्टन है एंटोनियो इसको तो ले जाती है पुलिस ध्यान रखना इसको तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है और ये भाई बचकर वहां से निकल लेता है सिजैरियो यानी हमारी जो अभी नवियोला ये बचकर वहाँ से निकल लेते हैं अब ये कहानी आगे कैसे आती है यहां पर क्या होता है यहां पर अब आ जाता है ये जो सेबेस्टियन है ये अब वो तो निकल गई वहां से जो हमारी हीरोइन है हीरोइनवेला यानी सिजेरियो जो है वो तो निकल गया अब यहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है वहीं गलियों में घूमता घूमता अब सेबेस्टियन जब उधर आता है तो ये जो क्लाउन है ये जो फेस्ट है ये सेबेस्टियन को समझ लेता है सिजेरियो अब सिजेरियो जो है वो सेम इसके जैसी दिखाई दे रही है सेबेस्टियन के जैसी सिजेरियो समझ कर और वापिस से झगड़ा करने लगते हैं अब झगड़ा जो है वो क्लाउन के साथ ना होकर के झगड़ा इसके साथ में था सर एंड्रयू के साथ में सर एंड्रयू इसके ऊपर झपट पड़ता है बहुत बुरे तरीके से आपस में झगड़ा चल रहा था ना क्योंकि सर टॉबी ने भड़काया था कि भाई ये तो है ना तुम्हारी वाला से उससे ओलिविया से शादी नहीं होने दे रहा तो आपस में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है अब सेबेस्टियन बहुत बहादुर था बहुत ज्यादा बहादुर था तो लड़ाई झगड़ा खूब तेज होता है खूब शोर शराबा मच जाता है सर एंड्रयू जो है उसको हरा देता है एक तरह से सर एंड्रयू जो है वो जान बचाकर भागता है एक साइड निकल लेता है यहाँ पे अब ओलिविया आती है और सेबेस्टियन का आमना सामना होता है ओलिविया जब सेबेस्टियन को देखती है तो क्या होता है सेबेस्टियन सेम कैसा दिखाई दे रहा है सेम सेबेस्टियन दिखाई दे रहा है अपनी बहन के जैसा जो कि सिजेरियो बना हुआ है तो ओलिविया इसको सिजेरियो समझ कर और घर के अंदर ले जाती है सिजेरियो समझ कर ठीक है अपने घर में ले गई कि भाई ये तो मेरा है अपने अंदर ले जाती है और वहाँ पर बुला लेती है प्रिस्ट को अपने घर में जाकर प्रस्ट को बुला लेती है मतलब पहले तो कुछ दिन तक तो इसकी सेवा पानी करती है खूब अच्छे से इसको गिफ्ट वगैरह देती है बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है ये भी बहुत कन्फ्यूज़ सा रहता है कि भाई यार ये तो मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ ये इतना क्यों मेरे साथ में इतना प्यार जता रही है लेकिन ये तो सीजारीयों से प्यार करती थी ना इसको क्या पता कि ये सेबेस्टियन है तो इसको सीजेरियो समझ रही है तो इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरदारी करती है फिर एक दिन दोनों में अच्छी रजामंदी हो जाती है दोस्ती हो जाती है और शादी तक बात पहुँच जाती है एक प्रिस्ट को बुलाकर और गुपचुप दोनों शादी कर लेते हैं अब होता है उधर ओरसिनो और, और सीजैरियो ये घूमते फिरते आ जाते हैं ओलिविया के घर के पास घूमते फिरते ओलिविया के घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पे एंटोनियो होते हैं एंटोनियो को अब देखते ही सीजेरियो क्या बोलती है सीजेरियो बोलती है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे इस झगड़े से बचाया था झगड़ा हुआ था ना उस झगड़े में एंटोनियो ने बचाया था ना सीजेरियो को सीजेरियो को तो अच्छा लगता है देख के और सीनो को बताती है कि मेरे को इसने बचाया था एंटोनियो ने लेकिन एंटोनियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एंटोनियो को इसलिए गुस्सा आ जाता है कि क्योंकि ये तो इसको सेबेस्टियन मानता है कि ये सेबेस्टियन है और यार कैसा दोस्त है ये ये मेरे को पुलिस वाले के साथ में छोड़ दिया पुलिस मेरे को ले गई इसने मेरी हेल्प भी नहीं करी ये तो इससे गुस्सा है बहुत ज़्यादा तो ये इससे शिकायतें कर रहा है कि तू कैसा है ये उसी सिजैरियो भी समझ नहीं पाता कि कि कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है अब इतना शोर शराबा सुन के आ जाती है ओलिविया तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है ओलिविया जाती है अब ओलिविया बिल्कुल एकदम सरप्राइज रह जाती है शॉकड हो जाती है सीजैरियो को देख के कि ये यहाँ कैसे ये तो मेरा सेबेस्टियन है ये यहाँ कैसे आया इतने में सेबेस्टियन भी बाहर आ जाता है अब यहाँ पे ना सारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होता है कैसे अब दोनों के दोनों बहन भाई एक दूसरे के आमने सामने अब दो शक्ल के एक इंसान जब एक साथ हैं तो अब कहानी की जो है गुत्थी सुलझती है अब इसको समझ में आ जाता है ओलिविया को समझ में आ जाता है कि सेबेस्टियन जो है वो मेरा पति है जो अभी निकल कर आया है यहाँ से सेबेस्टियन और सिजेरियो एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं सेबेस्टियन को पता लग जाता है कि ये मेरी बहन है ये आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे के गले मिलते हैं खूब खुश होते हैं एक दूसरे को देख के तो एंटोनियो को भी समझ में आ जाता है एंटोनियो भी समझ जाता है कि भाई ये है मेरा दोस्त तो सिजेरियो थोड़ी है सिजेरियो तो इसकी बहन है तो कहानी ऐसे सुलझती है कि यहाँ पर सेबेस्टियन और ओलिविया इन दोनों की तो शादी हो ही चुकी है और सीनो जो है उसे भी सिजैरियो से प्यार हो गया क्योंकि सिजैरियो जो है वो एक लड़की है और सिजैरियो ने तो बहुत बार अपनी बातों बातों में ये चीज़ दर्शाई थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो ओरसिनो को सारा गुस्सा जो है वो छू मंत्र हो जाता है क्योंकि ओरसिनो एक बार बहुत तो ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो ये क्योंकि ओलिविया आकर ये बताती है बाहर आती है जब देखती है सिजैरियो को कि ये तो मेरा हस्बैंड है सेवेस्टियन तो इसको बहुत गुस्सा हो जाता है कि यार इसने तो इससे शादी कर ली ये तो मेरा नौकर था इसने मेरी ओलिविया से शादी कर ली बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन यहाँ गुत्थी जब है सुलझ जाती है जब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं सिजैरी और सेबेस्टियन अब इस तरीके से कहानी जो है वो एंड होती है इस तरीके से जो है मैरिज बेल जो है रिंग होती है तो ये जो रोमांटिक कॉमेडी होती है ना रोमांटिक कॉमेडी की यही खासियत होती है कि लास्ट में जो है वो हो जाती है मैरिज और मैरिज बेल के साथ ही ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो कन्फ्यूज़न तो बहुत सारा होता है कन्फ्यूज़न होता है सेबेस्टियन और वोला के बीच क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं यहाँ ये बन जाती है जो सजैरियो और ये सेबेस्टियन वैसा का वैसा ही रहता है तो ये जब लड़की जो है लड़का बनती है ना मेल डिस्गाइज में आती है तो नाम बदल लेती है तब कन्फ्यूज़न जो है वो बन जाता है इस तरीके से दो पेयर जो है वो निकल कर सामने आते हैं और क्लाउन जो है हमारा लास्ट में एक गाना गाता है और उस गाने के साथ में प्ले की हो जाती है एंडिंग तो ये एक लव स्टोरी बहुत प्यारी सी है इस पर बेस्ड मूवी भी बनी है चलिए हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को जान लेते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जैसा हमने पहले बात की थी आपसे कि हमारा जो टाइटल है उसका क्या बेस है देखिए ये कहानी आपको पता है कि 1601 के अराउंड लिखी गई थी फर्स्ट परफॉर्म हुई थी फेबररी 1602 में लेकिन टाइटल के ऊपर जो बात आती है ना वो क्या है एक्चुअली जो ट्वेल्थ नाइट होती है वो क्रिसमस डे के बाद में जो आती है ना बारहवीं रात वो ऐसी रात होती है उस दिन एक्चुअली एक त्यौहार मनाया जाता है उस त्योहार के अंदर रोल रिवर्सल किए जाते हैं यानी जैसे मान लो कोई नौकर है तो वो मालिक बन गया कोई मालिक है वो नौकर बन गया मतलब डिस्गाइज हो हो के अपना रूप बदल बदल के आते हैं और नाटक प्ले करते हैं यानी एक तरह से इन्जॉयमेंट होता है उनकी पार्टी सी होती है और ये चीज़ जो है ये होती है ट्वेल्थ नाइट को यानी क्रिसमस के बारहवीं रात को तो हमारे प्ले का टाइटल जो है ना वो सेम यही है और आपने देखा होगा यहाँ क्या हुआ है यहाँ जो वो फ़ीमेल है हमारी वो भी तो यहाँ मेल बन जाती है ना मेल बनकर और डिस्गाइज होकर क्या करती है रोल प्ले करती है और सब हंसी खुशी वहाँ पर चलता रहता है इसके अंदर भी हमारे प्ले के अंदर भी यही सब चलता है हाँ यानी फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेशन जो हैं हाँ वो चलते हैं तो ये है अब पूरी की पूरी कहानी इलिरिया में ही सेट है सारी पूरी कहानी यहीं पर चलती है यहाँ पर आइडेंटिटी की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं लव थीम बनता है ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं अब शेक्सपियर ने ये जो कहानी लिखी थी ये जो प्ले लिखा था एक्चुअली तो ट्वेल्थ नाइट को प्ले करने के लिए लिखा था इस कहानी को और उस समय टाइटल नहीं दिया था इसका ट्वेल्थ नाइट टाइटल नहीं दिया था लेकिन कोई गया और शेक्सपियर से जाके बोलने लगा कि सर आपने स्टोरी तो लिख दी लेकिन इसका टाइटल तो कुछ लिखा ही नहीं तब अनाया से उन्होंने कह दिया कि ट्वेल्थ नाइट इसका टाइटल रहेगा या तो ट्वेल्थ नाइट उन्होंने बोला और फिर उसके बाद में कहा कि चलो अगर आप इसे ट्वेल्थ नाइट मानते हैं तो ठीक है नहीं तो वट यू विल इट मीन्स इट सजेस्ट यू कैन से दैट इट कुड सजेस्ट दैट द प्ले प्रेजेंट्स आवर वर्ल्ड दैट द ऑडियंस वुड चूज टू एंजॉय ऐसा संसार जिसे ऑडियंस चूज कर रही है इन्जॉय करने के लिए या आप ये भी कह सकते कि वट यू विल कुड मीन ट्वेल्थ नाइट इन नाइट वेन यू कैन डू वट यू लाइक क्योंकि यहाँ पर यही तो हो रहा है तो रोल रिवर्सल करके मतलब जो आपको पसंद आ रहा है वो आप बनो और इन्जॉय करो तो इस तरीके से जो है इसका टाइटल वो हमारे सामने निकल कर आया है ये सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेन क्वेश्चन में डालने की हैं आप मेन क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो ये सब चीज़ ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इससे आप ये मार्क्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे आएंगे तो ये आपका वीडियो था पूरा ट्वेल्थ नाइट के ऊपर अपने प्ले के ऊपर वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग